press the bell icon and never miss an update from Bollywood Now. मुंबई फिल्म फेस्टिवल मामी 2017 के क्लोजिंग सेरेमनी पर दीपिका पादुकोण को अपने कपड़ों को लेकर होना पड़ा फैशन पुलिस का शिकार। उनके फैशन को ट्विटर यूजर्स ने डिजास्टर बताया। आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा का नहीं हुआ ब्रेकअप, एक साथ दिखे संजय कपूर के बर्थडे पार्टी पर। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की बेटी मीशा ने एंजॉय किया अपनी पहली दिवाली। शाहिद ने पोस्ट की तस्वीरें। वही दिवाली पर कुर्ता पैजामा पहने नानी के घर पहुंचे नन्हे तैमूर अली खान। ड्रीमी गर्ल दीपिका पादुकोण ने लॉन्च की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की बायोग्राफी बुक। लॉन्च पर दीपिका ने अपने स्ट्रगल्स और आने वाली फिल्म पद्मावती के बारे में बातें की। इट्स बीन एन एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस। आई डोंट नो हाउ यू लिव्ड विद दोस कैरेक्टर्स फॉर 7 एंड 8 इयर्स। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क which we throw around actually very, very loosely, the word hard work. I think there's immense sacrifices as well. अलग-अलग दिन पर आमिर खान ने बॉलीवुड सितारों के लिए रखी सीक्रेट सुपरस्टार की स्क्रीनिंग। ऋतिक रोशन के खिलाफ आमिर खान ने लिया कंगना रनौत का पक्ष, कहा बॉयकॉट किया जाना गलत। अंबानी के घर कंगना को अलग से दिखाया आमिर ने सीक्रेट सुपरस्टार। सलमान खान ने दिवाली पर दिया फैंस को क्रिसमस गिफ्ट। सलमान ने जारी किया टाइगर जिंदा है का फर्स्ट लुक। 48 घंटों में बनी पद्मावती की रंगोली को तहस नहस किया राजपूत करनी सेना और वीएचपी के समर्थकों ने। दीपिका का चढ़ा पारा, ट्विटर पर निकाली भड़ास, जिसके बाद करनी सेना और वीएचपी के कार्यकर्ता गिरफ्तार। मुन्ना भाई संजय दत्त ने अपने घर रखी दिवाली की ग्रैंड पार्टी। सलमान खान, जैकलीन फर्नांडिस और कई सितारों ने जमकर पार्टी की। आमिर खान ने दिवाली के मौके पर रखी ग्रैंड पार्टी। शाहरुख खान, करीना कपूर, सैफ अली खान, शाहिद कपूर के साथ साथ कई बड़े सेलिब्स पार्टी में शामिल हुए।